Assalamualaikum and hello people, what's up? Welcome back to Shogun Creation. I'm Moshabis. Rose aur hum. Title se hi pata chal raha hai is video kis baare mein hone wala hai. Okay, yeah, definitely it's an old video, but there are a lot of session about this. And ये दो parts में हैं, Rose aur hum part 1 and part 2. Part 2 हम लोग next react करेंगे. अभी हम लोग react करने वाले हैं Rose aur hum part 1. So let's start the reaction. उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं. Definitely is Shahrukh की sketchbook. यार दिमाग ना खा, चल निकल, निकल यहाँ से। अच्छा अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार,
अच्छा वैसे मोबाइल तो चेक करो, सबको दिखाया तुमने मोबाइल, लेकिन मुझे नहीं दिखाया जब से ये लो यार। ओए ये Realme 6 Pro है? हाँ। वाह यार, मेरा ख्याल था तुमने पुराना मॉडल लिया है, मैंने सुना था ये घंटे में चार्ज हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक सुना, 64 की दीवार बात इतना ही है, और इसमें डुअल एंड डिस्प्ले सेल्फी फीचर भी है ना। हाँ हाँ, गुस्सा क्यों हो रहा है, गुस्सा टूट जाएगा तेरा। वैसे इसकी साउंड क्वालिटी भी बड़ी फिट है, Dolby Atmos हाई रेजोल्यूशन है, चेक करो। ओए वाह यार, जाओ कुछ खा लो, सुनने से रोजा टूट जाए। सही कंफ्यूज रूटीन तो उन लोग की होती है जिनका रोजा नहीं होता, खाने पीने की दुकानें सारे दिन वैसे पर, और बाकी रोजेदारों की जज्बा की वजह से वैसे ही नहीं खा पाते। एक और कैरेक्टर भी जरूर नजर आएगा। कोई रोजा है? हाँ है। कोई कशिफ तेरा रोजा है? हाँ यार है। कोई शेरु तेरा रोजा है? तूने अफतारी को बुलाना? नहीं। तो कहीं बाहर से अफतारी करा रहा है? नहीं भाई। तो क्यों पूछ रहा है? वैसे पूछ रहा था। वो जा रहा है काम कर। Sharam, what a writing man. Wow, who suggested this?
there are a lot of people commenting from Jab Se Ramzan Shuru Hua Hai. Ah, pray Bab, what an amazing work. What an amazing writing. What an amazing script. What an amazing concepts or relevance. Bachpan mein wapas le gaye. Very simple cheez. Yahan pe main compare nahi kar raha hu, but we had someone called Maniya Ki Duniya here. The same kind of animator jo karte the wo Maniya Ki Duniya bol ke a few years ago. Aaj itna active hai utna nahi hai wo. But this guy is, my goodness, what an intelligent mind he has got. Itne simple tarike se, matlab, I would pay for 200 rupees for this video, for watching this video. Kyunki mujhe utna entertainment mila yahan pe. India get 200, bhai. India get 200. But again, what an amazing, how he has written, kitne finely inhone script likhi hai, aur itne achche se observation likhi hai, characters banaye hain, aur jo roze mein hain, wo एक्चुअली उनको रोजे के हालत दिखाने के लिए जो शेड्स डाले हैं उन्होंने, ग्रे शेड्स करे हैं उन्होंने यहाँ पे, और वो चार्मिंग फेस नहीं रखा है, ग्रे शेड रखे हैं वहाँ पे, एंड कैसे उन्होंने एक लेजी इंसान को, एक्चुअली मैं ऐसा हुआ करता था एक जमाना जब मैं था ऐसा, एक्चुअली मैं दाढ़ी एकदम बड़ी हुई होती थी, इनफैक्ट आई यूज्ड टू ग्रो लॉन्ग बियर्ड क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मतलब टाइम नहीं, सोने से ही टाइम मिलता है, तो ऐसा हमने किया है, we have done everything, we have been through each and every phase there, everything, yeah. मैं खुद ये भी, मैं भी कोई भी देखा हो, बचपन से लेके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर एक चीज अपने अपने जिंदगी में होकर है, वो पकौड़ो की बात हो जाए, वो जूस एक घूंट में खत्म हो जाने वाली बात हो जाए, हाँ. या फिर रोजे ना रखाने की चूड़ी रोजे जो सकी थी, किसको कहते हैं, चूड़ी रोजे, वो तो मेरे बचपन में मैंने बहुत देखे हैं, चूड़ी रोजे, वो तो एकदम सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, स्कैम हुआ करता था वो, और मतलब क्या किस 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 बातों को इन्होंने सेंसिबिलिटी से रखा है, ना वल्गर ना कुछ कुछ भी, इतना हंसाया है, बड़ा अमेजिंग, बहुत बेशाला है. और वो जो शहरी में एक्टिव वाला था किस्सा, ग्रेट, हम लोग अभी उसी तरीके के हैं, लेकिन एक वक्त था जो हमारा भी वही हाल होता, जब लोग स्कूल कॉलेज वगैरह जाया करते थे, तो सोना पड़ता था. अब अभी क्या होता है कि मैं ऑफिस में रहता हूँ और घर जाता हूँ, तो घर में सब सो के उठते हैं, मेरी बहन भी सुबह कॉलेज में, सो मैं जाता हूँ, मैं एकदम फुल एक्टिव रहता हूँ, उनको छेड़ते रहता हूँ, और मेरी बहन एकदम सुस्त होकर बैठे हुई होती है, खाना खा रही होती है, और मेरे से जो छोटी है वो एक सब अरेंज करती है खाना का, थक के बैठती है खाने के लिए, जब मैं छेड़ता हूँ सताता हूँ, तो वो तो तुम कैसे एक्टिव इतना रहते हो, हम ना वो हमको होता नहीं, हमें लोग ना यार होते रहते, तुम कैसे एक्टिव रहते हो, बेसिकली हमारा भी मेरा भी अच्छा लगता था, लेकिन हाँ एक ट्रिक बताई थी हमारे घर में, सबने बोला था कि किसी को इफ्तारी मढ़ाना हो तो उसके पैर दबाने जाके, उसके जो फीट होते ना, उसके फीट प्रेस करने का, ऐसी छक से उठ जाएगा बंदा, तो लेकिन ऐसे उठाते थे हमको, ऐसे बोलते थे 5 मिनट है, 2 मिनट सैरी के लिए, हम उठे तो लगता है अरे भाई 1 घंटा तो और है, आराम से ब्रश तो मस्त करें, फिर रेगुलेट्स के भाई 20 मिनट सो जाते, 30 मिनट सो जाते, क्या हो गया भाई, मतलब दौलत चली गई बहुत दुनिया की, उसके बाद खाने पे बैठो, इतना टेस्टी खाना, इतना अच्छा खाना, उसके बाद फिर यू नो वो चाय की जो बात हो जाए सब कुछ, और वो जो ये बीच में लोग मिलते हैं, या तेरा रोजा टूट गया, तेरा रोजा टूट गया, वो तो बेशुमार मिलते हैं, जहाँ जहाँ जाओ वहां पर एक कोई तो मिलता है, कुछ भी करो भाई, वेव निकलती थी. स्कूल में होता था कि बड़े बड़े मतलब रमजान अगर पहला रोजा, दूसरा रोजा, तीसरा रोजा है, तब तो हम टीचर्स को मतलब धनाधन डाउट्स पूछते थे कि हम पेंसिल मुंह में रख सकते हैं क्या, हम ये कर सकते हैं क्या, ब्रश कर सकते हैं, नाक को नहीं जा उंगली में रख सकते हैं, बोलते थे पहले तो जमाना था कि बोलते थे कि ब्रश ना करो, मतलब बोलते थे ब्रश करने से ही जाता है बोल के, लेकिन आजकल जो मैंने पढ़ा, मुफ्ती मुमन ने बोला कि आजकल के जमाने में इफ यू गोइंग टू ऑफिस एंड ऑल, ऑब्वियसली आप मुंह में जो स्मेल होती है, हाँ हमारे लिए वो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, रोजगार के लिए, बट दूसरों को अनकंफर्टेबल होता है विदाउट ब्रश अगर आप गए ऑफिस को, वो मैंने भी सुना है कि आप वो जो टेस्ट देता है, टेस्ट अंदर जाता है, वो टूथपेस्ट मत यूज कीजिए, जो टेस्ट नहीं देता, जो टेस्ट कूली से चला जाए, हाँ वो पेस्ट यूज कर सकते हो, मैं तो करता ही हूँ भाई, मुझे नहीं होता वो बाहर चलने के लिए. और इन्होंने एक चीज मिस कर ली मुझे लगता है कि वो इफ्तार और सही में जो स्मोकर जो हायर होते हैं 20 मिनट, हाँ किसी को पता नहीं होता कहाँ जाते हैं, एकदम से 4 बजे सही की मतलब कहाँ अभी आया मैं फोन आया, मतलब ये जो स्मोकर्स होते हैं वो बस हजम हो जाते हैं, इतने नमाज भी नहीं पढ़ते भाई, मैं जब नमाज पे जाता था रोड पे, हाँ इतनी प्लानिंग से जाते हैं, इतनी प्लानिंग से आते हैं किसी को नहीं लगता. और जैसे ही अभी आज भी हमारे यहाँ फैमिली की इफ्तार पार्टी हुई थी, हम गए,
तो मेरे मामा ने बोला था कि देखो अभी सून आफ्टर इफ्तार जो बंदा यहाँ से गायब हो जाएगा वो बोलो समझ लो कि वो स्मोक कर रहे बोले। हम बैठे थे, हम इफ्तार किए, हमने नमाज के लिए रेडी हो रहे थे, तो कम से कम 5 लोग नहीं थे, उसके बाद तो 10 लोग नहीं थे, मतलब तो इतने कहाँ थे पता नहीं। अभी तो थे, अभी अभी यहाँ पे थे भाई, मेरे बगल में भी नहीं है, मतलब देखो सारे स्मोकर वो तो मतलब कोई इनका मतलब दिस इज लाइक द मोमेंट इज डन, वो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, वो करते थे लेकिन हाँ वो करते थोड़ा सा एडल्ट मतलब स्मोकिंग का वगैरह कुछ और या फैमिली क्या ये वगैरह उसमें, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। हम का लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल होता है स्मोकिंग के बारे में सुनना भी देखना भी। वेरी क्लीन रिटन इन अ वेरी नाइस मैनर, आई लव शाह, आई वुड लव टू वॉच मोर ऑफ हिज वीडियोस। आई डेफिनेटली विल रिएक्ट ऑन द सेकंड पार्ट, अभी तो करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। और वैसे भी रमजान भी खत्म हो रहा है, आज कितना 22वां रोजा है, सेकंड रोजा है, इससे पहले करना ही। और बहुत सारे रमजान की डिमांड्स है, रमजान कलाम एक है, रमजान एड्स, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ वी आर बट आई थिंक दिस इज द गिफ्ट व्हिच हैज बीन गिवन टू अस या बाय आवर ऑडियंस। सो या दिस वाज अ रिएक्शन ऑन रमजान और हम फर्स्ट पार्ट, वी लव्ड इट, आई जस्ट रियली लव्ड इट। और भाई सब कुछ बचपन याद आ गया, सब कुछ याद आ गया, बैक ऑन द जर्नी। या So yeah, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिवीजन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फॉलो इंस्टाग्राम डिटेल्स इन द डीएम। थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग अस दिस। दिस इज मोर शाबिस नाइट साइनिंग ऑफ।